अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, डॉन डॉन डॉन। नमस्कार, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि डॉन 3 को लेकर बड़ी ही चर्चाएं सामने आ रही है और मीडिया में इसका अलग तरीके का बस क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सेल एंटरटेनमेंट को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, तो वहां पर उन लोगों ने एक पोस्ट डाला है, ठीक है। अब जो डॉन बोलता रहता था ना कि गैस मुझे पहचानो, कौन मैं हूं कौन, ठीक है, तो इसी बात को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि 11 मुल्कों की पुलिस में डॉन का पीछा कर रही है एंड मुझे दो तरीके की लड़कियां पसंद नहीं आती, इस तरीके की बात को इंग्लिश में डाला गया है दोस्तों, और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने वो पोस्ट किया है, आप खुद देख लीजिए। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से, यहां पर आप देखेंगे तो डॉन जो जो बात बोलते हैं उसी चीज को इंग्लिश में रिटर्न करके लिखकर यहां पर रखा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, 1 अगस्त को ये पोस्ट डाला गया है और प्लस कहीं ना कहीं क्या ये तो नहीं मेकर्स ने सीक्रेटली तैयारी कर दी है डॉन 3 की। हमें बोल रहे हैं कि नहीं नहीं शाहरुख खान अभी कुछ नहीं कर रहे, डॉन 3 तो अभी बिल्कुल साइन नहीं कर रहे क्योंकि तूफान कर रहे हैं फरहान अख्तर, ऐसा वैसा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉन 3 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये ऑडियंस के मन को टटोलने के लिए, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए ये पोस्ट डाला गया है। वेल दोस्तों आपको बता दूं तो एक्सेल एंटरटेनमेंट की इंस्टाग्राम पेज में आप जाकर ये चेक कर सकते हैं एंड दर्शक बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डॉन 3 के। बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान साहब ने अभी तक कोई भी फिल्म साइन नहीं करी है, लेकिन अभी तक दोस्तों अगर बात की जाए तो शाहरुख खान की हम फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये जानना कि वो अपनी अगली फिल्म कौन सी करेंगे 0 के बाद, क्योंकि उनके कंटेम्प्रेरीज कहीं ना कहीं अलग अलग फिल्म कर रहे हैं और ऐसा शाहरुख खान नहीं करते हैं, वो हमेशा अनाउंसमेंट तो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो भाई कुछ तो बड़ा सीक्रेटली प्लान हो रहा है मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने क्यों डाला होगा ये? अगर देखिए कोई ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट देना होता तो हम देख सकते थे, क्योंकि डॉन 1 डॉन 2 दोनों ही जो है वो रिलीज नहीं हुई थी 1 अगस्त को, तो एक तरीके से 1 ईयर कंप्लीट, 2 ईयर कंप्लीट, इस तरीके के जो पोस्ट डालते हैं तो वो तो नहीं हो सकता। तो अचानक से एक्सेल एंटरटेनमेंट ने क्यों डाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके की चटपटी बातें आपको बताता रहूंगा। राहुल भोज, कीप ऑन वॉचिंग। आज दोस्तों सभी जगह पर 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता की चर्चाएं हैं, जहां पर रोहित शेट्टी और फराह खान इस फिल्म को बना रहे हैं। रोहित शेट्टी इसमें प्रोड्यूसर हैं, फराह खान इसमें डायरेक्टर हैं, और स्टार्स को लेकर जो कंसीडर की जा रही है बातें वो ऋतिक रोशन की जा रही हैं। बट क्या आप जानते हैं इस फिल्म में भाईजान होने वाले थे आज से कुछ साल पहले? तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों सत्ते पे सत्ता एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसे हम बार बार सिनेमाघरों में देखना पसंद करते हैं। सिनेमाघर क्या, हम तो उन्हें बार बार दोस्तों टीवी पे भी जब आती है फिल्म देखना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी फ्रेश फिल्म है जो कि हमेशा हमें एक एनर्जी के साथ बूस्टअप करके जाती है। अब अगर बात करें तो सत्ते पे सत्ता जो फिल्म है, इसमें बच्चन साहब की मुख्य भूमिका थी, हेमा मालिनी जी की मुख्य भूमिका थी और बहुत सारे अन्य कलाकार थे। ये फिल्म दोस्तों जो है वो सोहेल खान की नज़रों में भी थी, यानी कि सलमान भाई के छोटे भाई सोहेल खान, सोहेल की नज़रों में ये फिल्म थी दोस्तों, और सोहेल चाहते थे कि इस पर वो एक फिल्म बनाए जिसमें कि भाईजान सलमान खान ऑफर हो, जो आइडल भाई का कैरेक्टर है, यानी कि रवि आनंद का जो कैरेक्टर है जो कि बच्चन साहब पोर्ट्रे करते हैं, वो सलमान खान पोर्ट्रे करें, और सलमान खान डबल रोल में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ऐसे में सोहेल खान दोस्तों इस फिल्म के राइट्स को परचेज करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 2019 तक सलमान भाई की डेट जो है ब्लॉक है और सलमान भाई जो है पूरी तरीके से फिल्मों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, तब उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, और ये जो आइडिया गया ये गया दोस्तों रोहित शेट्टी और फराह खान को। वेल अब देखते हैं कि सत्ते पे सत्ता जिस तरीके की फिल्म बनी थी 1982 में, क्या वो यही फिल्म को उसी फ्रेशनेस के साथ, उसी नई एनर्जी के साथ उसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। वेल ऋतिक रोशन साहब होंगे उसमें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास तो होगा ही होगा। आप कितने एक्साइटेड हैं, और प्लस अगर भाई इसमें होते तब क्या होता, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके की चटपटी बातें लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में। सो कीप ऑन वॉचिंग।